मेरी आशा कभी मरी ही नहीं थी स्थूलभद्र। गत 5 वर्षों में मैंने एक क्षण के लिए भी ऐसा नहीं सोचा था कि मेरा चंद्रगुप्त, मेरा पुत्र मर चुका है। क्या कर रहे हो? वही प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं राजकुमारी जी कि आप यहां क्या कर रही हैं? मेरे विचार से मुझे कहीं भी जाने के लिए तुम्हारी अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं, समझे सैनिक? राजकुमारी जी, कहीं आपके कहने का अर्थ ये तो नहीं कि अपने भव्य महल के भव्य कक्ष और उसमें मिलने वाली सारी सुख सुविधाओं से बढ़कर आपको ये यहां एक साधारण से आश्रम का ये साधारण कक्ष अधिक भाग्य हो? अब देखिए, यहाँ ना तो वैभव है ना ही आपके अनुरूप बैठने उठने की व्यवस्था, तो आपके यहाँ आने का प्रयोजन? अपनी सीमा में रहो, ये मत भूलो कि तुम्हारा स्थान क्या है। मैं एक राजकुमारी हूं और तुम एक साधारण सैनिक, समझे? अपनी उंगली हटाइए राजकुमारी जी, अन्यथा। अन्यथा क्या? अच्छा हुआ राजकुमारी जी कि आपने अपनी ये उंगली हटा दी, अर्थात प्रतीत होता है कि आप नकचड़ी है किंतु मूर्ख नहीं, अर्थात आप अपने उस मूर्ख अंबी कुमार से कहीं अधिक बुद्धिमान है। तुम्हारा इतना दुस्साहस मेरे होने वाले पति और अपने राजकुमार के बारे में ऐसे अपशब्द कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्षमा करे राजकुमारी जी, उनके उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए मुझे कृपा क्षमा करे। वो मुझे ऐसा लगा कि जिसे अपने ही राज्य में अपने ही मंगेतर को खोजने के लिए किसी दूसरे की सहायता की आवश्यकता पड़े, उस राजकुमार का क्या मान और क्या अपमान। पता है क्या, मेरे विचार से तुम्हें इसी आश्रम में भर्ती हो जाना चाहिए। कदाचित इन छोटे छोटे बच्चों के साथ तुम्हें भी थोड़ा शिष्टाचार आ जाएगा। शिष्टाचार? राजकुमारी जी, आप मेरे शिष्टाचार की बिल्कुल चिंता ना करें। जिस दिन आप इस राज्य की वधु बनकर आ जाएंगी तो हम सभी आपके समक्ष नतमस्तक हो जाएंगे। अब यदि आपका मनोरंजन हो गया हो तो कृपा हम यहां से चले, क्योंकि वो आपके मूर्ख अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य है कि आपके होने वाले पति देव आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और मेरे पास एक भागे हुए अतिथि को खोजने से कई अधिक महत्वपूर्ण कार्य है। तो चले राजकुमारी जी।
भाई को बचाने के लिए इस सैनिक का ध्यान भटकाना होगा। अर्जुन सिंह, ये हो क्या रहा है यहाँ? और ये इसे कहाँ भागा जा रहा है? मेरी रक्षा करने के लिए स्थूल ने उस आर्य का ध्यान आकर्षित किया, अब स्थूल की रक्षा उसकी माई करेगी। ना तो दुर्धरा का पता चल रहा है और ना ही उस सैनिक का, पता नहीं कहां चले गए हैं। अंबी कुमार, राजकुमारी, अरे राजकुमारी कहां चली गई थी आप? कितनी प्रतीक्षा कर रहा था मैं आपकी, ऊपर से चिंता भी हो रही थी, और तो और एक सैनिक को भेजा भी आपको लेने के लिए। जी, मुझे मिला था वो। देखिए राजकुमारी, ये उचित नहीं है। एक तो मैं आपको तक्षशिला का भ्रमण करा रहा हूँ और ऊपर से आप मुझे बिना बताए चली गई। आप ही बताइए, ये उचित है क्या? क्षमा कर दीजिए राजकुमार, मैंने सोचा कि मैं आपको एक अद्भुत प्रस्तुति देकर मंत्रमुग्ध कर दूं। बस इसी विचार से मैं कुछ क्षणों के लिए आपसे दूर हो गई। हे भगवान, आप श्रेष्ठ नहीं सर्वश्रेष्ठ हो दुर्धरा। वो तो मैं हूँ, कदाचित इसीलिए मुझे मेरा जीवन साथी भी सबसे सर्वश्रेष्ठ मिला है। चले, इस आश्रम की यात्रा से राजकुमारी का कोई ना कोई संबंध अवश्य लगता है। मुझे तुरंत ही सम्राट धनानंद को बताना होगा। चूहे बिल्ली का खेल, अब बताओ मुझे धनानंद पर आक्रमण किसने किया था? मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम सब कुछ जानते हो, बताओ। उतर दो, बोलो। बोलो, बता दो, सब बता दो, पहले मुझे छोड़ दो। बोलो, मुझे छोड़ने के लिए धन्यवाद, किंतु सत्य तो यही है, मैं आज भी तक्षशिला का एक विश्वसनीय सैनिक हूं और मैं आज भी सेना के प्रति कटिबद्ध हूं। कैसे वार करूं, कहीं स्थूल आहत ना हो जाए। We'll be right back.
बताने का समय आ गया मोटे, मेरे धैर्य की परीक्षा मत लो। बताओ मुझे, यदि तुम शक्तिशाली हो बलशाली हो तो मैं भी कुछ कम नहीं। मिल गया सटीक निशाना। मुझे क्या हो रहा है? मेरा मन क्यों नहीं मान रहा कि इस सैनिक पर बाण चलाकर इसे आहत कर दूं? तुम तब तक बंदी बनकर रहोगे जब तक मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर नहीं दे देते, समझे? महामहिम, संभालिए अपने आप को। महामहिम, बड़ा ध्यान से। ये भिन्न भिन्न प्रकार के योगा आसन करने का औचित्य समझ रहे हैं? नहीं महामहिम, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये सब ये मैं नहीं कर सकता, बल्कि मेरे परिवार का कोई भी सदस्य योग अभ्यास में रुचि रखता ही नहीं, क्योंकि ये हमारे लहू में ही नहीं है, ना मेरे और ना दुर्धरा के। तो फिर वो उस योग आश्रम में क्यों गई? योग सीखने तो गई नहीं होगी। अर्थात महामात्य, वो उससे मिलने गई थी जिसने मुझ पर आक्रमण किया था, जिसकी दुर्धरा ने सहायता की थी। यदि आपको विश्वास है महामहिम, तो विलंब किस बात का? आप बस आदेश दीजिए, उस आश्रम के प्रत्येक व्यक्ति को आपके समक्ष लाकर खड़ा कर दूंगा मैं। और रही बात उस व्यक्ति की जिसने आपके ऊपर प्रहार किया, उसका तो मैं शीश काट कर आपके चरणों में डाल दूंगा। शीश? ना ना महामाते, ये मगध नहीं तक्षशिला है, और ये आश्रम तक्षशिला के प्रतिष्ठित स्थान में स्थित है। हमें कोई और मार्ग ढूंढना होगा। तो क्या सुझाव है आपका महामहिम? जिस किसी ने भी मुझ पर आक्रमण किया था, जिसके साथ मिलकर मेरी बहन दुर्धरा कदाचित षड्यंत्र रच रही है, उसे उसी के आश्रम के साथ भस्म कर दीजिए, आग लगा दीजिए महामात्य। जो आज्ञा महामहिम। हाथ खोल रहा हूं, किंतु हाथों का प्रयोग केवल रोटी खाने के लिए करना। यदि मेरे विरुद्ध में या यहां से भागने के प्रयास में कुछ करोगे तो ये रोटी नहीं मेरे हाथ की मार खाओगे। समझ आई बात? और जब तक तुम मुझे धनानंद पर आक्रमण करने वाली का पता नहीं बता देते, तब तक यहां से बाहर जाने का मार्ग कोई नहीं है, समझे?
और वैसे तुम उस आक्रमणकारी को बचा क्यों रहे थे? मेरा मुंह भी केवल रोटियां खाने के लिए खुलेगा, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने नहीं। ये क्या, केवल इतनी रोटियां? इतने से मेरा क्या होगा? और अधिक नहीं लेकर आ सकते थे? क्या तुम सदैव ऐसा करते हो? सदैव कैसा करता हूं? नहीं, वो बात यह है कि देखा, अब तुम्हारी योजना विफल हो गई। देखो, आ गए मेरे सैनिक, मुझे ढूंढते हुए यहां तक पहुंच गए। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ये तुम्हारे सैनिक नहीं, मेरे अपने हैं। किंतु तुम्हें कैसे पता? अब देखना, वो व्यक्ति पहले दो बार खटखटाएगा, फिर दो बार एक एक करके। कहा था ना, ये अकेला इतना बलशाली है, यदि एक और आ गया तो? कदाचित ये रोटी मेरे जीवन की आखिरी रोटी होगी। स्थूलभद्र, हुई किसी भूल या त्रुटि से हमें अपने चरित्र को परिभाषित नहीं करना चाहिए, ना ही अपराध बोध और ग्लानी को स्वयं पर हावी होने देना चाहिए। भूल किसी से भी हो सकती है, इसलिए हमें चाहिए कि अपनी भूल को एक सीख की भांति आत्मसात कर
उसी से सीखें और जीवन में भविष्य में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर हों। नीतियां मेरी, नियति आपकी। जिस आश्रम में महारानी मूरा है, दुर्द्रा भी वहां पर है। जी आचार्य। धनानंद अपनी बहन पर दृष्टि रखने के लिए उसके पीछे गुप्तचर अवश्य भेजेगा। अर्थात माई संकट में है। आज भी तू तू वैसा ही है। आज भी तू अधिक भोजन की अपेक्षा रखता है। तुम बिल्कुल नहीं बदले मोटे। तुम कौन सा बदल गए चंद्र? आज भी मुझे अधिक रोटी खाने नहीं देते हो मित्र। क्यों मेरे हाथ रुक गए? कौन सी अदृश्य शक्ति थी जिसने जिसने मेरे हाथों को रोक दिया? वो सैनिक, वो आर्य, वो हम पर समस्या बन चुका है। धूल पर वो संकट बनकर मंडरा रहा है, फिर भी मैं उस पर प्रहार नहीं कर पाई। क्यों? साध्वी जी, हमें वो पिपली वन वाली राजकुमार की कहानी सुनाइए ना। आज रात सोने से पूर्व हमें पुनः वो कहानी सुननी है। आ जाओ। बहुत समय पहले की बात है, पीपली वन नाम का एक अत्यंत सुंदर और समृद्ध राज्य था, और वहां का राजकुमार जितना शूरवीर था उतना ही दयालु और संवेदनशील भी था। जब भी निर्दोषों पर संकट आता, पीपली वन का वो राजकुमार सबको बचा लेता। चाहे कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों ना हो, वो अटल पर्वत के भांति हर चुनौती का सामना करता। तुम जो भी हो और जिस भी कारण तुमने सम्राट धनानंद पर आक्रमण किया, आज तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे उद्देश्य का भी अंत हो जाएगा। इस आश्रम के साथ साथ तुम भी जलकर भस्म हो जाओगे। शीघ्र करो। अंबार के राक्षस
समय नहीं हमारे पास। राक्षस इस आश्रम को जलाने वाले हैं। अर्थात धनानंद पर आक्रमण करने वाली और कोई नहीं, माई है आचार्य, अर्थात माई। इसलिए तुम उन्हें बचाने का प्रयास कर रहा था। आचार्य, तुम्हें दिया गया वचन मैं कैसे तोड़ सकता था? निश्चिंत रहो चंद्र, जब तक तुम और आचार्य लौट कर वापस नहीं आते मैं माई के साथ रहूंगा, उन्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। चंद्र, किंतु वो नक्चड़ी दुर्धरा उस आश्रम में क्या कर रही थी? दुर्धरा, जिस आश्रम में महारानी मूरा है दुर्धरा भी वहां गई थी। जी आचार्य, किंतु चिंता वाली कोई बात? चिंता की बात है स्थूलभद्र, दुर्धरा का तो पता नहीं, परंतु धनानंद ने अपनी बहन पर दृष्टि रखने के लिए उसके पीछे गुप्तचर अवश्य भेजे होंगे। अर्थात माई संकट में है। उठो, कोई आवाज नहीं करेगा, ठीक है? जैसा मैं बोलूंगी वैसा ही करना, समझ गए? आवाज नहीं करना, चलो 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 चलो। साथो, हमारा कार्य संपन्न हुआ, चलो यहां से। इन सबकी रक्षा के लिए मुझे शीघ्र ही कोई मार्ग ढूंढना होगा। चलो शीघ्र आओ, जब तक किसी सुरक्षित स्थान पर नहीं पहुंचोगे पीछे मुड़कर नहीं देखना और रुकना नहीं, भागो। पांच वर्ष पूर्व जब चंद्रगुप्त और चाणक्य सेलुकस से मिलने गए थे तब क्या हुआ था उनके साथ? मुझे शीघ्र ही अंबी कुमार से पता लगाना होगा। हवा, किन विचारों में खोई हो दुर्धरा? मैं बस अपने भाई के विषय में सोच रही थी। मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि वो हमारे विवाह और इस संधि के लिए मान गए, पर तुम उनके क्रोध को नहीं जानते, उनके सामने उनका कोई शत्रु नहीं टिकता।
वो था ना चंद्रगुप्त, उस एक चंद्रगुप्त को मारने के लिए उन्होंने पूरा का पूरा हवा महल जलाकर भस्म कर दिया। मेरे भाई जैसा कोई नहीं, वो अपने शत्रु को नहीं छोड़ते, उसका अंत करके ही दम लेते हैं। क्या हुआ, आप कुछ बताना चाहते हैं? एक रहस्य है। यदि तुम मुझे वचन दो कि तुम ये बात किसी से नहीं बताओगे, तो मैं तुम्हें बता सकता। रहस्य? कैसा रहस्य? वो चंद्रगुप्त की बात जो तुमने की ना, वो तुम्हारे भाई की लगाई हुई आग से नहीं मरा था, उसे मेरे पिताश्री ने मारा था। क्या? सत्य है ये, बिल्कुल सत्य। वो चंद्रगुप्त हवा महल की आग से किसी कारण बच निकला, आया था वहां अपने आचार्य चाणक्य के साथ तक्षशिला में चार सेलुकस से मिलने, उनसे मदद मांगने, ताकि वो तुम्हारे भाई से पुनः युद्ध कर सके और मगध के सिंहासन से विमुक्त कर सके। परंतु जब मेरे पिताश्री ने उनके झूठ पर से उनका पर्दा हटाया। तुम दोनों से दोस्ती करने के बाद अंबिराज ने मुझे तुम्हारी हकीकत से वाकिफ किया। तब शाह सेलुकस का क्रोध काल बनकर बरस पड़ा और उन्हें मार मार के अधमरा कर दिया शाह सेलुकस ने। और फिर क्या? और फिर उस चाणक्य और चंद्रगुप्त को गहरी गर्त में फेंक दिया गया, एक ऐसा गर्त जहां से आज तक कोई भी लौट कर नहीं आ पाया। धरती पर नरक की यातना देने वाला गर्त, जीवन को मृत्यु से भी बुरा बना देने वाला गर्त। ये गर्त जहां कहीं भी, मैं अंबी को मार से पता लगाकर तुम्हें ढूंढ ही लूंगी चंद्रगुप्त। आपका पुत्र, आपका चंद्र अपना वचन निभाने लौट आया है मां। मां, चिंता मत कीजिए मां, मुझे कुछ नहीं होगा।
अम्मा, मैंने आपको एक बार खोया, फिर मिला, दूसरी बार खोया, पर अब मैं आपको पुनः नहीं खो सकता मां। आपका चंद्र लौट आया। चलिए मेरे साथ। माँ, यहां से भागने का केवल एक ही मार्ग है, हमें उस ऊंची दीवार से कूदना होगा। माई, क्या आप इस बाधा को पार कर पाएंगी? मेरा पुत्र अगर मेरे साथ हो तो संसार की हर बाधा पार कर सकती हूं मैं। सोच रही है। मत रखो इन्हें स्तूर, ये जानती है मैं कौन। ये मुझे इसलिए मार रही है क्योंकि मैं इनसे 5 वर्ष दूर रहा। भूल किया तो मार तो खानी पड़ेगी। मैं बरसों से बस इसी मार के लिए तरसाए चंद्र का बचपन। मारो माँ, और मारो माँ, और मारो। आपका प्रत्येक प्रहार उन सभी यात्राओं को मिटा देगा जो हमने पिछले 5 वर्षों में अलग अलग रहकर भोगी है। मैं आपकी ये मार मरम की तरह प्रतीत हो रही है। मारो भाई, मारो।
यदि मैं इस कच्चे फल को तोड़कर इसे अप्राकृतिक और कृत्रिम वातावरण में रखकर ये आशा करूं कि ये अपने वास्तविक मिठास और गुणों के साथ पकेगा, तो क्या यह संभव होगा? नहीं, इसलिए मुझे इसे यहीं इसी वृक्ष पर लगे रहने देना होगा, ताकि ये अपने प्राकृतिक वातावरण में अपनी वास्तविक मिठास और गुणों के साथ पके। इसी प्रकार यदि आपके पास कोई श्रेष्ठ योजना तो है, परंतु उस योजना पर कार्य करने के लिए उचित वातावरण या समय नहीं, तो वो योजना चाहे कितनी भी श्रेष्ठ क्यों ना हो, आपको वांछित परिणाम कभी नहीं देगी। स्मरण रहे, श्रेष्ठ परिणाम पाने के लिए सही योजना, सही वातावरण और सही समय, इन तीनों का उचित सामंजस्य में होना अत्यावश्यक है। नीतियां मेरी, नियति आपकी। मैं तुमसे पूछूंगा नहीं कि वो षड्यंत्रकारी कौन है जिसे तुम बचा रही हो। मैं आपसे कुछ नहीं छुपाना चाहती, बल्कि मैं तो आपको उसका नाम बताना चाहती। तो बताओ। चंद्रगुप्त मौर्य। मुझे पता था तुम अवश्य लौटोगे, मुझे पता था तुम कहीं मेरे आसपास ही हो। तुम्हारी उपस्थिति का आभास था मुझे। महारानी मूरा, आपने समस्त संसार के समक्ष एक क्षत्राणी के शौर्य और धैर्य का उत्तम परिचय दिया है। मेरा नमन स्वीकार कर, निसंदेह आपके विश्वास के कारण मैं और चंद्रगुप्त उस अंधेरे गढ़ से बाहर निकलने में सफल हुए। परंतु अभी भावनाओं में बहने का समय नहीं है, सैनिक आते ही होंगे, हमें शीघ्र यहां से निकलना होगा। हाँ चलिए। एक क्षण, मुझे पहले यह पता लगाना है कि यह आग किसने लगाई थी। अमात्य राक्षस। ये आग अमात्य राक्षस ने लगाई थी, मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा। नहीं मां, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये केवल उस अमात्य का कार्य नहीं है, अवश्य ही उसे उस दुर्धर आने भेजाऊंगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज मेरा और चंद्रगुप्त की माँ का विश्वास सत्य सिद्ध होगा। आज रात्रि में मैं स्वयं मूरा को जाकर बताऊंगी कि उनका पुत्र चंद्रगुप्त जीवित है। आश्रम में आग लग गई है, शीघ्र जाकर तक्षशिला नरेश अंबिराज को सूचित करो। जाओ। मुझे जाने दीजिए। नहीं राजकुमारी, भीतर ताप है और भीतर सुरक्षित नहीं। छोड़िए मुझे भीतर जाना है, छोड़िए मुझे। क्यों? भला ऐसा कौन है भीतर जिसे तुम बचाना चाहती हो? नहीं चंद्र, मुझे नहीं लगता कि आश्रम को जलाने में और मुझे मारने के पीछे दुर्धरा का हाथ होगा।
इस बार उसकी आंखों में मैंने वो देखा जो पहले कभी नहीं देखा था। इस बार उसकी आंखों में ग्लानि थी, पश्चाताप था, हमारे ऊपर होने वाले अन्याय के लिए दुख था, प्रायश्चित था। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमको नए घाव देने का वो सोच भी नहीं सकती। माँ, हमें मारने के लिए उसके भाई धनानंद ने हवा महल में आग लगाई थी, स्मरण है? और हमारे वहां रहने की सूचना उसे किसने दी थी? इसी दुर्धरा ने। मैं तो अब इस पर कभी विश्वास नहीं कर पाऊंगा माँ, फिर चाहिए कितने भी ग्लानि और प्रायश्चित के आश्रम भाले। क्षमा कीजिए माई, पर इस संदर्भ में मैं भी चंद्र से सहमत हूँ, वो दोनों भाई बहन विश्वास के पात्र ही नहीं है। ठीक कहा ना आचार्य? क्या बात है आचार्य? हर परिस्थिति में एक अवसर निहित होता है, आवश्यकता होती है तो केवल उस अवसर को ढूंढकर उसे अपने उपयोग में लाने की। आश्रम में लगी ये आग भी हमारे लिए ऐसा ही एक अवसर सिद्ध हो सकती है। आपके मन में क्या है आचार्य? मेरे पास एक योजना है, परंतु इस योजना के सफल होने के लिए एक विशेष पात्र की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। आचार्य, कहीं ये पात्र दुर्धरा तो नहीं? उत्तम चंद्रगुप्त, इसीलिए तुम मुझे इतने प्रिय हो। मैं केवल एक शब्द कहता हूं और तुम पूरी कहानी का मर्म समझ जाते हो। निसंदेह राजकुमारी दुर्धरा ही वो विशेष पात्र होगी हमारी इस योजना का। इसलिए तुम्हें अभी जाकर राजकुमारी दुर्धरा को यहां मेरे पास लेकर आना होगा। ये मेरा आदेश है। मानता हूं मैं कि तुम मुझसे बातें छिपाने में निपुण हो गई हो बहन, किंतु एक सम्राट को बहुत सी बातें पता होनी चाहिए, जैसे कि मेरे विरुद्ध किसने षड्यंत्र रचा। सम्राट के संदेह के घेरे में हर कोई रहता है, फिर चाहे वो उसकी परम प्रिय बहन ही क्यों ना हो। अपने भाई को तुमसे अधिक और कौन जानता है? आज नहीं तो कल मैं उस षड्यंत्रकारी को पकड़ ही लूंगा जिसे आज मैं केवल सूंघ पा रहा हूं। वैसे मैं तुमसे पूछूंगा नहीं कि वो षड्यंत्रकारी कौन है जिसे तुम बचा रही हो, क्योंकि मैं जानता हूं कि पूछने पर भी तुम उत्तर तो दोगी नहीं, है ना? नहीं, आप गलत समझ रहे हैं सम्राट। मैं आपसे कुछ नहीं छुपाना चाहती, बल्कि मैं तो आपको उसका नाम बताना चाहती। अच्छा, तो बताओ, मैं भी तो सुनूं कि कौन है वो जिसने मुझ पर निशाना साधा। उसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। उसे और उसके साथियों को 5 वर्ष पूर्व भी मैंने जलाकर भस्म कर दिया था।
वरण है? हाँ, वरण है, किंतु चंद्रगुप्त को मारने का ये अर्थ नहीं है कि आपने उसकी सोच को भी मार दिया सम्राट। उसकी सोच आज भी जीवित है। भारत के लोगों के हृदय में, आपके विरुद्ध खड़े हुए हर विरोधी के मन में। आज स्वयं पर वार करने वाले को मारने के लिए आपने आश्रम को तो जला दिया, किंतु आप देखिएगा, फिर कोई इस बुझी हुई आग से चिंगारी समेटेगा और विद्रोह की अग्नि सुलगाएगा। मेरी एक बात ध्यान से सुन लो और समझ लो। मेरे विरुद्ध खड़े होने वाले प्रत्येक विद्रोही को मैं वैसे ही भस्म कर दूंगा जैसे मैंने 5 साल पूर्व उस चंद्रगुप्त को जलाया था, समझे? क्षमा चाहता हूं महामहिम। अंबिराज सिलिकस ने आपातकालीन बैठक बुलाई है जिसमें आपकी उपस्थिति आवश्यक है। मैं अभी किसी बैठक में नहीं जा सकता महामात्य। ये आश्रम में लगी आग के विषय में आपसे वार्ता करना चाहते हैं महामहिम। आचार्य, आप चाहते हैं कि मैं उस दुर्दरा को यहाँ ले आऊं, जबकि आप जानते हैं कि मुझे उस पर लेश मात्र भी विश्वास नहीं है। मुझ पर तो विश्वास करते हो ना? करते हो या नहीं? आप पर विश्वास तो है आचार्य। यदि मुझ पर विश्वास करते हो तो जाओ और राजकुमारी दुर्दरा को यहाँ मेरे पास लेकर आओ। बोलो चंद्रगुप्त, ला पाओगे? ला पाओगे या नहीं? उत्तम, विवाद समाप्त। तो जाओ, राजकुमारी दुर्धरा को तुरंत सकुशल यहां लेकर आओ। चंद, 5 वर्ष वियोग सहाया मैंने अपने पुत्र से, कुछ क्षण प्रेम के मिलना मेरा भी तो अधिकार है ना? और एक बात चंद्र, दुर्धरा से मित्रता ना सही, किंतु सम्मान और आदर का व्यवहार अवश्य रखना। प्रयास, प्रयास अवश्य करूंगा। चलो मोटे, सम्मान, आदर और सम्मान से कहो। देखो ना माई मुझे, अरे चंद्र, योजना क्या है आचार्य? योजना स्पष्ट है महारानी, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि आश्रम में लगी इस आग से हम धनानंद और सेल्यूकस के संधि सेतु को भी जलाकर भस्म कर दें। अब आप चिंतित क्यों हैं मामहिम? क्योंकि दुर्धरा ने जो कहा वो आपकी लगाई हुई अग्नि से अधिक भयानक था। इतने वर्षों पश्चात तक्षशिला में आकर दुर्धरा को उसका स्मरण क्यों हुआ? क्या वास्तव में चंद्रगुप्त जीवित है? आखिर ये कहानी जा कह रही है? मैं ये सब केवल आचार्य के कहने पर कर रहा हूँ, अन्यथा उस नक्चड़ी दुर्धरा का मैं मुंह भी नहीं देखना चाहता। ध्यान से सुनो तुम सब, मैं राजकुमारी दुर्धरा को लाने जा रहा हूँ और शीघ्र अतिशीघ्र उस स्थान को इतना सुंदर बना दिया जाए कि उसे देखते ही राजकुमारी के मुख पर हर्ष छा जाए। तुम जानते हो ना तुम्हें क्या करना? शीघ्र। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना है। तुम्हें प्रसन्न करने का एक अवसर तो दो मुझे, मैं तुम्हारा होने वाला पति हूं, और यदि तुम मुझे अपनी चिंता का कारण नहीं बताओगी तो और किसे बताओगी?
जैसा ये कहता है वैसा ही करो। जहाँ ये कहता है जाओ, तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। मुझे ये संदेश किसने भेजा है और क्यों? अब तक तो राजकुमारी दूरधरा तक मेरा संदेश पहुंच ही गया होगा। जाओ, लेके जाओ। दुर्जन सिंह जी, आप तो राजकुमार अंबे कुमार के क्रोध को भली भांति जानते हैं और वो हमें इस काम से निश्चित ही निकाल देंगे। मैंने इतने वर्षों तक तुम्हारी आर्थिक सहायता की है ना, आगे भी मैं देख लूंगा। अब बस आदेश का पालन करो, जाओ। जी। आप मेरा कितना ध्यान रखते हैं और मैं आपकी छोटी सी इच्छा ठुकरा कर आपका हृदय तोड़ रही हूँ। तो मेरे साथ चलोगी? हाँ हाँ चलूंगी। ठीक है, चल। पता नहीं आचार्य के मन में चल क्या रहा है। एक तो हमने अपनी योजना पर कार्य करना आरंभ भी नहीं किया और छड़ी राजकुमारी के विषय में सोच सोच कर मुझे मुझे क्रोध आ रहा है। क्या किया तुमने? देखकर नहीं चल सकती क्या? क्षमा कीजिए राजकुमार जी, क्षमा कीजिए। मौन रहो। जो हाथ ठीक से काम करना नहीं जानते उन हाथों को दंड देना आता है हमें। रुकिए अंबे कुमार, आपसे बड़ी दुर्गंध आ रही है। आप शीघ्र अति शीघ्र जाकर अपने वस्त्र बदल लीजिए। हाँ, इस असुविधा के लिए क्षमा चाहता हूँ। तुम जाओ, बाहर पश्चिमी द्वार से 40 कदम दूर बाई तरफ तुम्हें मेरा उपहार मिल जाएगा। मैं अभी जाकर वस्त्र बदल कर आता हूँ। तुम ठीक हो? शांत हो जाओ। इसे लो, जल्द ही इस भवन से दूर चली जाओ, अन्यथा सही मौका देखते ही राजकुमार तुम्हें दंडित करेंगे। जाओ। धन्यवाद राजकुमारी जी। आखिर ऐसा कौन है जो अंबे कुमार के उस विशेष स्थान पर मेरी राह देख रहा है? अरे ओ, क्षमा करें राजकुमारी जी, कदाचित आप किसी और के विषय में सोच रही थी। व्यर्थ की बातें बंद करो। यहां से जाओ। क्षमा कीजिएगा, हम महल के बाहर हैं, तो यहां मैं आपके आदेश की पालना करने को बाध्य नहीं। देखो, किसी ने मुझे संदेश भेजकर यहाँ बुलाया है, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। किंतु अब मुझे लगता है मुझे यहाँ से चलना चाहिए। आपको मेरे साथ चलना होगा। मुझे स्पर्श करने का तुम्हारा साहस कैसे हुआ? छोड़ो मुझे। ओह, मैं तो भूल ही गया था कि आपका तो विवाह होने वाला है। तो आपको स्पर्श करने का अधिकार केवल अंबे कुमार को है। लो, छोड़ दिया, अब चले।
यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मेरा अपहरण कर सकते हो तो तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। मुझे चुनौती मत देना, मैं चाहूं तो कुछ भी कर सकता हूं। और वैसे भी अपहरण का तो अभ्यास है मुझे। ज्यादा चतुर बनने का प्रयास मत करो। आप इतनी शीघ्रता में क्यों है राजकुमारी जी? एक आश्रम जलाकर संतोष प्राप्त नहीं हुआ आपको? और भी कोई स्थान जलाना शेष है क्या? क्या क्या कहा तुमने? मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूं। जानता हूं कि आपकी लगाई आग से जलने वाला वो आश्रम पहला स्थान नहीं है। आज से 5 वर्ष पूर्व आपने और आपके भाई ने मिलकर बहुत कुछ जलाया था। बहुत सी आशाएं, बहुत से स्वप्न और अपने ही मित्र का विश्वास। तुम्हें क्या लगा मैं एक मूर्ख राजकुमारी हूँ जो तुम्हारी तुम्हारी बातों से मोहित हो जाऊंगी और तुम्हारी बंदी बनकर रह जाऊंगी? मैंने तुम सबकी आंखों में धूल झोंकने के लिए ये योजना बनाई थी। मेरे भाई शीघ्र ही आएंगे और तुम सबको खत्म कर देंगे। कौन हो तुम? इस सूरजमुखी के पुष्प की विशेषता तो आप सब जानते ही होंगे। अपने नाम को सार्थक करते हुए इसका मुख सदैव सूरज की दिशा में ही होता है, और जैसे जैसे सूरज आकाश में अपनी दिशा बदलता है वैसे ही ये सूरजमुखी का पुष्प सूरज का अनुसरण करते हुए अपना मुख उसी दिशा में मोड़ लेता है। मनुष्य जीवन में कुछ संबंध भी ऐसे ही होते हैं जो हर परिस्थिति में हर दशा में एक दूसरे के साथ चलते हैं। इसलिए यदि इस सूरजमुखी पुष्प की भांति खिलना चाहते हो तो अपने जीवन में सदैव ऐसे लोगों को जोड़ने का प्रयास करो जो हर परिस्थिति में आपके साथ चले। ऐसा करेंगे तो स्वयं देखेंगे जैसे सूरज पर विश्वास इस सूरजमुखी पुष्प का विकास करता है वैसे ही आपका भी विकास होगा। नीतियां मेरी, नियति आपकी। ये तुम हो चंद्र, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। और छोड़ो मेरा, अब तुम्हारे झूठे शब्दों का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मगध कुमारी, मुझे तुम पर विश्वास ही नहीं रहा। तुम इस समय यह महत्वपूर्ण नहीं है कि मैं कौन, महत्वपूर्ण यह है कि मैं आपको यहां से ले जाने आया हूं उनके पास जो आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब तक तुम मुझे ये नहीं बताते कि तुम कौन हो मैं यहां से नहीं जाऊंगी। जानता था मैं कि यह स्थिति अवश्य बनेगी, इसीलिए मैं सज्ज हूं। मेरा हाथ छोड़ो। यदि तुमने एक और कदम आगे की ओर बढ़ाया तो मैं तुम्हें आहत कर दूंगी। देखो जो मैं कह रही हूं वो मैं कर दूंगी। छोड़ो मुझे। रुक जाओ अन्यथा तुम्हारी श्वास रुक जाएगी। जितने बार करना है कीजिए,
ये पहली बार नहीं हुआ है जब किसी ने मेरी हत्या करने का प्रयास किया हो। हर बार मृत्यु को मात देकर आज भी जीवित खड़ा हूं मैं। मैंने बहुत सुना है कि चुनौतियां तुम्हें उत्साहित करती है। यदि यह दिखावा नहीं और सत्य है तो तुम्हें मेरे लिए वो पुष्प लेकर आना ही होगा। मैं वो पुष्प लेकर आऊंगा। मृत्यु को मात देने वाले एक ही व्यक्ति को जानती हूँ मैं, चंद्र। सही पहचाना राजकुमारी। मेरे आदमियों ने बताया कि आपके लोग यहां आए थे। अमात्य राक्षस और उनके लोगों ने मिलकर मेरी ही जमीन पर मेरे ही एक आश्रम को जलाया। यहां हम आपकी बहन और शहजादे अंबी कुमार की शादी की तैयारियों में मशरूफ है और ये यहां हमारे ही जमीन को तबाह करने में लगे थे। अंबिराज, आपको भी कुछ कहना है? यह आश्रम हमारे राज्य का प्रतिष्ठित स्थान है। जानना तो हम अवश्य चाहेंगे कि आपने ऐसा किया क्यों। हाँ, आश्रम को जलाने का निर्देश मैंने ही महामाते को दिया था, किंतु वो विध्वंस के लिए नहीं था। आप दोनों के मान सम्मान की रक्षा करने हेतु था। आप दोनों जानते हैं पिछले 5 वर्षों से तक्षशिला में विद्रोहियों ने अपना आतंक मचाया हुआ है, और जब मुझे मेरे विश्वसनीय सूत्रों से पता चला कि उन विद्रोहियों को उसी आश्रम में आश्रय प्राप्त हो रही थी, तो मैंने उस आश्रम को जलाने का निर्णय लिया, और ये कार्य मुझे अचानक करना पड़ा, क्योंकि यदि उन विद्रोहियों के दमन के लिए मैं अपने सैनिक भेजता तो कदाचित आप भी अपने सैनिक भेजते। बात बढ़ती और फैलती और आप दोनों को अपनी ही प्रजा के समक्ष लज्जित होना पड़ता जब आपकी प्रजा को यह पता चलता कि आपकी नाक के नीचे विद्रोही फल फूल रहे हैं। जिस आश्रम को आप दोनों अपने राज्य की प्रतिष्ठा मान रहे थे, वही आश्रम आपके शासन की नींव हिलाने का प्रयास कर रहा था। इसीलिए मैंने इसे एक दुर्घटना का रूप देने का निर्णय लिया, ताकि शत्रु भी मर जाए और आप दोनों के मान की हानि भी ना हो। यह तो आप उचित रहे हैं, और फिर ऐसा कर सम्राट ने हमारी सहायता ही की है। आपकी इस चतुराई से मैं प्रसन्न हो गया अंबिराज। आप में आया ये बदलाव मुझे अच्छा लगा। सेल्यूकस, मैंने जो कुछ किया वो संधि को तोड़ने के लिए नहीं अपितु उसे और सशक्त बनाने के लिए किया। अब आपकी समस्या मेरी समस्या है, तो कहिए क्या आप मुझे अपना अपराधी मानते हैं या फिर स्वयं को मेरा आभारी? बेशक हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। आप पे संदेह कर हमने उचित नहीं किया, हमसे भूल होगी शाह, बहुत बड़ी भूल। समझ मिली, मैल मिटी। अब मैं आज्ञा चाहूंगा। ये
ये तुम हो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। ये मैंने क्या कर दिया? तुम्हें नहीं पता चंद्र, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। मैं कब से एक विश्वास को थामे तुम्हारी राह देख रही थी। मैं कैसे नहीं समझ पाएगी ये तुम ही हो। छोड़ो मेरा, मुझे मेरा पक्ष तो रखने दो चंद्र। कुछ नहीं सुनना, अब तुम्हारे झूठे शब्दों का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मगर कुमारी दुर्धरा, चंद्र एक ही भूल को बार बार नहीं दोहराता, मुझे तुम पर विश्वास ही नहीं रहा। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं तो तुम यहां क्यों आए हो? क्योंकि कोई है जिन पर विश्वास है मेरा, और उनके आदेश पर मैं यहां आया हूं तुम्हें उनके पास ले जाने। तो ठीक है, चलो बताओ कहां जाना है। राजकुमारी दुर्धरा, मेरा स्वभाव है कि मैं कभी किसी पर इतनी सरलता से विश्वास नहीं करता, किंतु मैं आप पर विश्वास कर रहा हूं। चंद्रगुप्त वैसे तो सदैव सब पर विश्वास कर लेता है, परंतु आप पर विश्वास नहीं कर पा रहा। कदाचित कर लेगा। मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा और आपका उत्तर ये निर्धारित करेगा कि आप हमारे विश्वास की योग्य होंगी या नहीं। तो बताइए राजकुमारी दुर्धरा, क्या आप अपने महाबली परंतु नृशंस भाई के विरुद्ध हमारी इस क्रांति में हमारे साथ जुड़ेंगी? क्या आप अपने भाई के विरुद्ध जाएंगी? हाँ, मैं आपका साथ दूंगी। नहीं आचार्य, हम इस पर विश्वास नहीं कर सकते। इसने हमारे साथ पहले भी विश्वासघात किया है। ये समय ही बताएगा चंद्रगुप्त के ये विश्वास के पात्र बनने योग्य हैं या नहीं। परंतु इस समय जो बात तुम्हारे लिए समझना अत्यावश्यक है वो ये कि हमारी अगली योजना के केवल दो ही मुख्य पात्र हैं, एक तुम और दूसरी राजकुमारी दुर्धरा। तुम दोनों को मिलकर इस योजना पे साथ कार्य करना होगा। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ आचार्य, मैं अपने वचन पर अटल रहूंगी। मुझे आभास हो गया कि मैं बहुत दिनों तक एक दुष्ट और पापी व्यक्ति का साथ देती रही, किंतु अब मैं अच्छे लोगों का साथ देना चाहती हूँ, और उसके लिए मुझे सबसे पहले अपने भाई की अनंत शक्ति को कम करना होगा। बल्कि मैंने तो उसका आरंभ भी कर दिया है। कैसे? मैंने धनानंद से कह दिया है कि जिस व्यक्ति ने उन पर वार किया था वो कोई और नहीं चंद्रगुप्त था। ठीक ऐसी ही प्रतिक्रिया थी उनकी भी, जैसी इस समय आप सबकी है। मैंने धनानंद से कह दिया है कि चंद्रगुप्त की सोच ही है जो आज यहां तक्षशिला तक आ पहुंची है। उसकी सोच से ही राज्य में कई क्रांतिकारियों को जन्म दिया है, इसलिए चंद्रगुप्त को मृत समझने की भूल मत कीजिए। उसकी सोच जीवित है, क्रांति की अग्नि में, लोगों के मन में वो जीवित है। सुन रहे हो चंद, अब इसकी विश्वसनीयता के लिए तुमको और क्या प्रमाण चाहिए? बदल गई है ये महारानी। इन्होंने जो कुछ भी धनानंद से कहा
उसके पीछे इनकी मंशा भले ही अच्छी रही हो, परंतु वो हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकता है। क्या? हाँ राजकुमारी, एक सर्प, सोते हुए राक्षस और एक असुरक्षित सम्राट को उसके शत्रुओं के विषय में स्मरण कराकर कभी भी छेड़ना नहीं चाहिए। आपने चंद्रगुप्त के विषय में धनानंद से जो कुछ भी कहा, उसने धनानंद को भीतर तक झिंझोड़ दिया होगा। वो दिन रात केवल इसी पशुपेश में रहता होगा कि हवा महल की उस अग्नि में चंद्रगुप्त जलकर मर गया था या बचकर निकल गया था, और अब वो किसी भी मूल्य पर यह सुनिश्चित करने का प्रयास अवश्य करेगा कि चंद्रगुप्त मृत है। मेरे राजकुमार और आपकी बहन के विवाह के शुभ अवसर पर आपके लिए भी एक सुंदर सुशील योग्य कन्या ढूंढ लेते हैं। सम्राट, सुंदरियों की कमी नहीं है हमारी तक्षशिला में, एक से एक सुंदर सुशील कन्या खड़ी कर दूंगा मैं आपके लिए। मैं मानता हूं कि तक्षशिला में सुंदरियों की कोई कमी नहीं है। धन्यवाद। किंतु मेरा लक्ष्य, लक्ष्य इतना बड़ा है, इतना बड़ा कि उसमें अभी किसी पत्नी के लिए कोई स्थान नहीं। सम्राट, सब कुछ तो प्राप्त कर लिया आपने, और क्या शेष रह गया प्राप्त करने के लिए? अब भारत के सर्वश्रेष्ठ सम्राट है, सर्वश्रेष्ठ सम्राट। किस लक्ष्य की पूर्ति शेष रह गई? ये भारत क्या है ये मुझे समझ नहीं आता। मेरे लिए तो सबसे महत्वपूर्ण केवल मगध है, और मैं मगध को ही सबसे श्रेष्ठ और सशक्त बनाना चाहता हूं। यही मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है समधी जी। जब चार सेलुकस को आपकी योजना का पता चलेगा तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। विराज, किंतु हम अभी संबंधी हैं। आपके और मेरे मध्य की बातें सेलुकस को पता चले ये आवश्यक नहीं। यदि आपको लगता है कि मैं शाह के साथ विश्वासघात करूंगा तो ये कदापि संभव नहीं। स्मरण रहे तो ये कदापि नहीं होगा। अरे अंबिराज, आपने तो मेरी बातों को गंभीरता से ले लिया, मैं तो केवल उपहास कर रहा था। समधी जी, समधी जी, बैठिए बैठिए, समधी जी बैठिए। आपने मेरी बातों को गंभीरता से लेकर मदिरा का नशा ही उतार दिया, मेरे आनंद को किरकिरा कर दिया आपने। सम्राट, मैं आपके भास को समझ नहीं पाया, उससे गंभीरता से ले लिया। बोलोगे? अब आप बताइए कि आपको प्रसन्न करने के लिए, सब कुछ पुनः ठीक करने के लिए, आपका हृदय पुनः शांत करने के लिए मैं क्या करूं? सम्राट बताइए, सम्राट क्या चाहिए आपको? तुम दीजिए, मगध पति सम्राट धनानंद हूं मैं, सब कुछ है मेरे पास। यदि कोई उपहार देना ही है तो कोई ऐसा उपहार दीजिए जैसा 5 वर्ष पूर्व मैंने आपके परम शत्रु चाणक्य की हत्या करके आपको दिया था। है कुछ विशेष मेरे पास, केवल आपके लिए। क्या? मैं आपको आपके सबसे बड़े शत्रु की समाधि पे लेके जा सकता हूं। चंद्रगुप्त और चाणक्य भी, उसकी समाधि भी यही है मेरी तक्षशिला में।
देखा राजकुमारी जी, देखा आपने आपके शब्दों के जादू ने क्या किया। आचार्य, हम इस पर विश्वास कर रहे हैं। आपकी सहायता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमारी जी, किंतु आपके इस योजना में आने से पूर्व ही आपने हम सभी के लिए समस्याएं खड़ी कर दी है। तुम तो जाने ही दो, मैं चाहे जो भी कर लूं, तुमने तो मन में बैठा ही लिया है कि मैं अच्छी नहीं। पर सच तो ये है कि मैं तुम्हें कुछ भी सिद्ध नहीं करना चाहती, मैं तो स्वयं को सिद्ध करना चाहती हूँ, स्वयं को पुनः अपनी दृष्टि में उठाना चाहती हूँ। नहीं राजकुमारी जी, चंद्रगुप्त, राजकुमार, आपको सर्वप्रथम यह सुनिश्चित करना होगा कि धनानंद के मन में जो चंद्रगुप्त के जीवित होने को लेकर संदेह है वो दूर हो जाए, अन्यथा उसके मन में जलती हुई संदेह की चिंगारी से हमारी सारी योजना जल सकती है। आप चिंता ना करें आचार्य, मैं हर क्षण इसके साथ रहूंगा। मुझे तो इस पर लेश मात्र भी विश्वास नहीं है, कदाचित ये स्थितियों को संभालने के बजाय सब कुछ बिगाड़ ना दे, इसलिए इस पर मैं हर समय दृष्टि रखूंगा। राजकुमारी जी, चले आपकी बिखेरी गंदगी को पुनः साफ करने। पता नहीं ये धनानंद अब क्या करेगा, जब तक वो चंद्रगुप्त के जीवन और मृत्यु की सच्चाई का पता नहीं लगा लेता चैन से नहीं बैठेगा। तो 5 वर्ष पूर्व ये सब हुआ था तक्षशिला में, आपने उस चंद्रगुप्त और चाणक्य को नरक रूपी गर्त में फेंक दिया जहां से कोई बचकर नहीं निकल सकता। सही कहा आपने, आज भी जब उस गर्त का चिंतन होता है तो हृदय कांप उठता है मेरा, ये सोच के कि किस प्रकार धीरे धीरे तड़प तड़प के दर्दनाक मृत्यु हुई होगी उनकी उस गर्त के अंधकार में। धन्यवाद 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 संधि जी, आप वास्तव में मेरे सच्चे संबंधी हैं। सत्य कहा था आपने, मुझे आपका ये उपहार बहुत पसंद आया। अब आप मुझे उस गर्त में लेकर जाएंगे जहां पर आपने उस चंद्रगुप्त को फेंका था। अवश्य लेके जाएंगे, हम आपको उस गर्त में अवश्य लेके जाएंगे, उस गर्त में जहां केवल जाने का मार्ग है किंतु वहां से लौटने का कोई मार्ग नहीं। आज भी उन दोनों के सड़े गले शव उसी गर्त में पड़े होंगे, हम आपको उस गर्त में लेकर जाएंगे कल सुबह। कल सुबह? ना 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 अंबिराज, मुझ में इतना धैर्य नहीं, मुझे अपना उपहार अभी चाहिए। अभी? क्या तुम बीती बातों को भुला सकते हो? नहीं, क्योंकि उन्हीं बीती बातों के कारण, उन्हीं बीती घटनाओं के कारण मेरा आज मेरा वर्तमान ऐसा है, और उन्हीं बीती बातों की नींव पर मेरा भविष्य भी खड़ा होगा, और उन्हीं बीती बातों से मैंने सीखा है कि लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं, इसीलिए जो दिखता है उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो एक सीख और सुन लो पीपलीवान के राजकुमार, ये बीता हुआ काल कीचड़ की तरह होता है, या तो हम इसमें फंस सकते हैं
या यहाँ से निकलकर आगे बढ़ सकते हैं। पकड़ो इसे। रहने दो, मुझे तुम्हारी सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना अहंकार ठीक नहीं है हमारी योजना के लिए। इसे ले लो। देखो, हम यहाँ एक विशेष उद्देश्य के लिए आए हैं। हमें विलंब नहीं करना चाहिए। और वैसे भी तुम्हारे ही गुरु ने कहा था कि हमें साथ मिलकर काम करना है। ये लो। कद्दू? क्या तुमने मुझे कद्दू कहा? तुम्हारा इतना दुस्साहस? नहीं नहीं, तुम ही नहीं, उठो। किंतु तुम्हें कद्दू क्यों चाहिए? ये प्रेम की बात है, तुम नहीं समझोगे। किसी ने सही कहा है कि समय भी कुछ लोगों को नहीं बदल सकता। ये जितनी सर फेरी 5 वर्ष पूर्व थी उतनी आज भी है। राजकुमारी कहाँ चली गई थी आप रात्रि में? मैंने आपकी खोज में सैनिकों को भेजा था। ये कैसा राजकुमार है जो अपनी ही मंगेतर को ढूंढने के लिए दूसरों पर आश्रित है? पता नहीं ये भोजन के बाद स्वयं हाथ धोता होगा या वहां भी सेवकों की आवश्यकता पड़ती होगी। राजकुमारी, मेरे प्रिय राजकुमार, मैं आपके लिए कुछ विशेष लाने गई थी, किंतु मैं स्थान से भली भांति परिचित नहीं हूँ ना, इसलिए मैं भटक गई थी। और देखिए कैसे ये आपका सैनिक चमत्कार की भांति आया मेरे पास मेरी सहायता करने और मुझे पुनः आपके पास लेकर आ गया। आर्य, तुमने आज तक मेरी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी है और तुम हमेशा सज्ज रहते हो मेरे अपनों की रक्षा के लिए। किंतु राजकुमारी, आप इस रात्रि के पहर में गई कहाँ थी? आपके लिए उपहार लाने। उपहार? कैसा उपहार? कद्दू? ये आपके स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी है। इसे खाने से आपकी आयु दीर्घ काल तक स्वस्थ रहेगी। अब आपका जीवन मेरे लिए अति आवश्यक है। इसे खाने से आप रोगों से दूर रहेंगे और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होगी। यही नहीं, इसके सेवन से आपकी दृष्टि भी चीर काल तक बनी रहेगी, ताकि आप सदा सदा के लिए मेरे रूप को निहार सके, मुझे देख सके और मेरे प्रेम में डूबे रहे। वाह, अत्यंत विशेष उपहार है और सच्चा प्रेम भी। क्या कहते हो आर्य? जी राजकुमार, यही सच्चा प्रेम है। मैंने ऐसा प्रेम कहीं नहीं देखा। राजकुमारी,
यदि ये कद्दू आप स्वयं अपने हाथों से मेरे लिए बनाएंगे तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। अवश्य मेरे राजकुमार, किंतु पहले मुझे अपने भाई से मिलना है। अवश्य, किंतु स्मरण रहे मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ और मेरे पास धैर्य थोड़ा कम है, तो शीघ्र लौटिएगा। जी। आह, चलो भाई को ढूंढने का समय हो गया। उसने वास्तव में आपको ऐसा कहा और उसके पश्चात वो कुछ कहने के लिए जीवित ही नहीं रहा। अरे मेरी प्यारी बहना भी यहां पर है। प्रतीत होता है आज आपने कुछ अधिक ही मदिरा पान कर ली है। हाँ बहना, तुम्हारे और अंबी कुमार के विवाह की प्रसन्नता में हमने पी ली है और देखो हमारे समधी ने आज मुझे ऐसा उपहार दिया है जो आज से पहले कभी किसी ने नहीं दिया। कैसा उपहार? अपनी ये कौतूहलता बनाए रखो बहना, और एक क्षण का विलंब किए बिना मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। आओ। आर्य, साहसी और पराक्रमी आर्य, तुम भी चलो मेरे साथ। नहीं सम्राट, मैं यही ठीक हूं। सैनिक, इतना दुस्साहस तुम्हारा? हमारे होने वाले समधी जी को तुम ना कर रहे हो। भारत के सर्वश्रेष्ठ सम्राट को तुम ना कहने का दुस्साहस कर रहे हो। तुम्हारा इतना दुस्साहस? नहीं महाराज, बात यह है कि और चलो प्रस्थान करो। बहन, क्या तुम्हें आभास है हम कहां जा रहे हैं? जरा सोचो, प्रयास करो। हम जा रहे हैं ना 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 अम्बीराज, मैं चाहता हूं कि मेरी बहन सोचे और स्वयं उत्तर दे। सोचो सोचो। तो कुछ सूझ नहीं रहा। ठीक है, मैं तुम्हारी सहायता करता हूं। हम किसी का अंत देखने जा रहे, किसी ऐसे व्यक्ति का अंत जिसे मैं स्वयं देखने को आतुर हूं। किसका अंत? चंद्रगुप्त। उसका अंत तो हो चुका है ना, हवा महल में जलकर? मुझे भी ऐसा ही लगा था, किंतु वो मरा नहीं, जीवित था। वो तिल चट्टा अग्नि में भस्म नहीं हुआ था बहना। केवल कुछ दिनों के लिए जीवित था वो। अभी मैं तुम सबको लेके जा रहा हूँ उसके अंतिम पड़ाव में, जहाँ उसका अंत हुआ था। यदि धनानंद को यह ज्ञात हो गया कि मैं और आचार्य जीवित हैं, तो हमारी सारी योजना संकट में आ जाएगी। एक मोती अपने आप में विशेष और मूल्यवान होता है, परंतु जब एक मोती के साथ अन्य मोती जुड़ जाते हैं तो माला बन जाती है, जो और अधिक मूल्यवान और विशेष होती है। यही उदाहरण प्रतिभाशाली व्यक्तियों पर भी चरितार्थ होता है।
जब बहुत से प्रतिभाशाली व्यक्ति एक साथ जुड़ते हैं तो उनका प्रभाव कहीं अधिक होता है और एक व्यक्ति की तुलना में वो कहीं अधिक श्रेष्ठ और उत्तम परिणाम ला सकते हैं। स्मरण रहे, कभी कभी बड़े परिवर्तन लाने के लिए केवल स्वयं ही प्रतिभाशाली होना पर्याप्त नहीं होता, आवश्यकता होती है समान स्तर की सोच और प्रतिभा के धनी व्यक्तियों के साथ की, तभी आप मनवांछित फल प्राप्त कर सकते हैं। नीतियां मेरी, नियति आपकी। धनानंद भले ही उस गर्त में प्रवेश कर रहा, परंतु चंद्रगुप्त उस गर्त से धनानंद से कहीं अधिक भली भांति परिचित है। धनानंद कितना ही बलशाली राजा क्यों ना हो, परंतु उस गर्त में चंद्रगुप्त को पराजित करना धनानंद के लिए असंभव है। धनानंद ने पूरा हवा महल जला दिया था, हम सबको जलकर राख होते हुए देखा था, हमारे छोड़े हुए प्रमाण भी देखे थे, तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है आचार्य कि धनानंद ये सोचेगा कि चंद्रगुप्त जीवित है? एक माँ का पूर्वाभास कभी कभी अप्रत्यक्ष को भी स्पष्ट रूप से देख लेता है, और कभी कभी ममता भरी ये आंखें प्रत्यक्ष को भी नहीं देख पाती। महारानी मूरा, ये बात आप भली भांति जानती हैं कि धनानंद किसी भी बात पर सरलता से विश्वास नहीं करता, विशेषकर तब जब उसके परम शत्रु की मृत्यु के वर्षों पश्चात उसकी लाडली बहन उसी शत्रु की बात करे। आपने इस कठिन यात्रा के प्रत्येक पड़ाव को आसानी से पार किया है महारानी, अब यह समय दुर्बलता का नहीं है। मैं समझ सकता हूं कि चंद्रगुप्त से लंबी अवधि तक दूर रहने के पश्चात उसे पुनः खोने का विचार भी आपके लिए कितना दुखद और भयावह सिद्ध हो सकता है, परंतु महारानी मूरा आपको दृढ़ रहना होगा। अपनी ममता से ना तो स्वयं दुर्बल बनिए, ना अपने पुत्र को दुर्बल बनाइए, अपितु इस ममता को एक शस्त्र बनाकर चंद्रगुप्त के हाथ में दीजिए, उसे और अधिक सशक्त बनाइए। क्योंकि चंद्रगुप्त का गुरु होने के नाते मैं ये बात भली भांति जानता हूं कि चंद्रगुप्त की शक्ति का स्रोत उसकी मां है। माई, क्या हुआ? हंबीराज धनानंद दूरधरा और चंद्र को कहीं ले जा रहा है। इस समय कहां ले जा रहे? पता नहीं माई। क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि अंबिराज ही उन तीनों को कहीं लेकर गया है? जी आचार्य, मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। मेरे विचार से मैं जानता हूं कि वो उन सबको लेकर कहां गया है। मैंने पिछली सभी बातें और घटनाएं भुला दी हैं। चंद्रगुप्त का शव पुनः देखकर मैं उसे स्मरण नहीं करना चाहती। मेरे विचार से मुझे महल लौट जाना चाहिए। अरे नहीं नहीं बहन, इतनी दूर आकर उस चंद्रगुप्त के शव को ना देखना एक सुंदर छवि को बिगाड़ने के समान होगा। और तुम तो स्वयं एक कलाकार हो, भली भांति जानती हो अधूरी छवि और चित्र आंखों में कांच की भांति चुभती है ना? सम्राट, अब मध्य में बोलने के लिए क्षमा चाहता हूं, किंतु सम्राट, मेरे विचार से आपको इस गर्त में नहीं जाना चाहिए। न जाने इस अंधेरे गर्त में क्या कुछ हो, आप जैसे महान सम्राट को ये जोखिम नहीं उठाना चाहिए। आपको
भीतर की जानकारी ही चाहिए ना सम्राट। आप मुझे आज्ञा दें, मैं इस गर्त के भीतर जाकर आपको सारी जानकारी दे दूंगा। ओहो अंबी राज, आज पहली बार आपके आर्य की आंखों में मुझे मगध के विरुद्ध घृणा और द्वेष के स्थान पर चिंता दिख रही है। अचानक ये परिवर्तन कैसे? कुछ विचित्र सा लग रहा है। यदि धनानंद ने गर्त में जाकर देख लिया तो उसे ज्ञात हो जाएगा कि चंद्रगुप्त जीवित है, और यदि उसे ज्ञात हुआ कि चंद्रगुप्त जीवित है तो उसका सर्वप्रथम संदेह जाएगा आर्य पर। हमें कुछ करना होगा आचार्य, हमें वहां जाना होगा। भय पराजय लाता है और संघर्ष विजय की ओर अग्रसर करता है। परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं महारानी कि ये संघर्ष केवल चंद्रगुप्त को करना होगा। अरे मैं रात्रि के इस पहर इतनी दूर यहां इसलिए नहीं आया हूं कि मेरी आंखों को अति प्रिय लगने वाले दृश्य का आनंद कोई और ले ले। मैं स्वयं अपनी आंखों से उस तिल चट्टे चंद्रगुप्त और उस कुटिल चाणक्य के अवशेषों को देखूंगा। फिर उसे देखने के लिए भले ही मुझे इस गर्त की गहराइयों में ही क्यों ना उतरना पड़े, मैं अवश्य उतरूंगा। मुझे ये समस्या स्वयं ही सुलझानी होगी। आचार्य भी मुझसे यही अपेक्षा रखते होंगे। आप सोच भी कैसे सकते हैं कि चंद्र इतनी बड़ी समस्या स्वयं सुलझा लेगा? वो वहां इतनी बड़ी मुसीबत में है और आप ये व्यर्थ की औषधि बना रहे हैं। इस औषधि को बनाने में मैं अपना समय व्यर्थ नहीं कर रहा स्थूलभद्र। ये साधारण सी दिखने वाली औषधि आने वाले कल में सेल्यूकस और अंबिराज के मध्य एक असाधारण विष के बीज बोने वाली है। किंतु आचार्य जी, आने वाले कल की योजना का क्या अर्थ यदि हम आज की समस्या नहीं सुलझा पाए? धनानंद अभी इसी क्षण उस गर्त में जाने वाला है ये पता लगाने के लिए कि आखिर आपका और चंद्र का सत्य क्या है। आज के घटनाक्रम के परिणाम के भय या चिंता से मैं आने वाले कल की योजना को स्थगित नहीं कर सकता। किंतु चंद्र ही तो है हम सबका कल, इस संपूर्ण भारतवर्ष का उज्जवल भविष्य वही तो है। यदि वो ही नहीं रहा तो किसी भी योजनाओं का क्या अर्थ रह जाएगा आचार्य? मैं आप ही समझाइए आचार्य को। मैं जानती हूँ कि चंद्र पर आपका विश्वास अटल है, किंतु धनानंद सत्य की जड़ तक पहुंचे बिना चैन की सांस नहीं लेगा। निसंदेह महारानी, सत्य जानने की यही जिज्ञासा धनानंद को विफलता और हमें सफलता की ओर ले जाएगी। सत्य जानने का प्रत्येक प्रयास धनानंद की पराजय और हमारी विजय का कारण बनेगा। Thank you.
जिस गर्त में इतना विराट वट वृक्ष, ये अवश्य उस चाणक्य की बुद्धि होगी, अर्थात वो चाणक्य और चंद्रगुप्त इस गर्त से निकल गए होंगे। मुझे ये शीघ्र ही जानना होगा कि मेरा ये संदेह सही है या नहीं। वो चंद्रगुप्त जीवित है या नहीं? सुनो, हमें इस परिस्थिति से निकलने के लिए तुरंत ही कुछ करना होगा। अद्भुत अद्भुत राजकुमारी जी, कदाचित तुम्हें अपने ही द्वारा उत्पन्न की गई समस्याओं को हल करने का ये अत्यंत प्रिय है। कहीं ये चित्रकारी छोड़कर तुमने ये नया शौक तो नहीं पाल लिया? मैं तुम्हारी भले के लिए कोई बात कह रही हूँ। तुम हो जिस दिन मुझे अपने भले के लिए या बुरे के लिए भी तुम पर निर्भर होना पड़े, तो मैं स्वयं ही किसी कुएं में कूद कर ना सदा सदा के लिए लुप्त हो जाऊंगा। तो ठीक है, फिर ऐसे ही हाथ पर हाथ रख के बैठे रहो और मेरे भाई का सत्य ढूंढने की प्रतीक्षा करो। वैसे तो मैं बड़ी सरलता से मान जाता कि तुम में से कोई चंद्रगुप्त और चाणक्य रहा होगा, किंतु ये हरा भरा वृक्ष है ना, ये मेरे मन में संदेह उत्पन्न कर रहा है। संदेह कि तुम में से कभी कोई भी चाणक्य और चंद्रगुप्त नहीं होगा। ना ना, तुम यहां इस निर्जीव गर्त में क्या कर रहे हो बताओ? नहीं बताओगे? वैसे तुम इतने विशाल भी नहीं हो कि कोई तुम पर चढ़कर इस गर्त से बाहर निकल जाए ना, असंभव है ये। असंभव? तो जब मैं चाणक्य और चंद्रगुप्त के विषय में सोचता हूं तो उन्होंने तो कई बार असंभव को संभव किया है। अब इसे मुझे स्वयं परखना होगा। समझी जी, आपको मेरा उपहार? उपहार कैसा लगा? आशा करता हूँ आपको चंद्रगुप्त और चाणक्य के अक्षय देख कर प्रसन्नता हुई होगी। हाँ अंबिराज, मैंने यहाँ जो कुछ भी देखा उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। ऐसा उपहार मुझे आज से पहले किसी ने नहीं दिया। मैं जानता हूं कि तुम्हारा भाई कुछ तो कर रहा है। ये अवश्य ही अंबिराज से असत्य कह रहा है।
मेरे विचार से तुम्हें यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि अब जो कुछ भी होगा सबसे पहला संदेह तुम पर ही जाएगा। चंद्र जी, वो हमारे उपहार की खुशी में आइए, एक एक मदीना हो जाए, आ जाइए। अम्बिराज अजी, जिस रस्सी से मैं नीचे आया वो रस्सी टूट गई है। अब मुझे बाहर आने के लिए आपकी सहायता चाहिए। चंद्र जी, अब चिंता मत करो, मैं अपने सर्वश्रेष्ठ सैनिक को भेजता हूं। सैनिक, रस्सी बढ़ाओ। शीघ्र करो सैनिक, अरे चंद्र जी अंदर है। मुझे विश्वास है कि रस्सी टूटी नहीं है, इसे मेरे भाई ने तोड़ा है। वो अवश्य कोई ना कोई खेल खेल रहे हैं। तुम नीचे नहीं जा सकते, तुम भाग जाओ यहाँ से। नहीं, यदि मैं गर्त में नहीं गया और यहाँ से भाग गया तो तुम्हारे भाई धनानंद का संदेह विश्वास में बदल जाएगा और उसे ये पता चल जाएगा कि वो जिसे ढूंढ रहा है वो और कोई नहीं, मैं ही हूँ। इसीलिए मुझे इस गर्त में जाना ही होगा। समझ जी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अपने दो दो शत्रु वो चाणक्य और चंद्रगुप्त के अवशेष देखकर बहुत उत्साहित हुए होंगे। किंतु सम्राट, अब यहां से चलिए, वो तक्षशिला नरेश आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, चलिए सम्राट। मूर्ख, मूर्ख हो तुम। तुम्हें क्या लगता है ये रस्सी स्वयं कट गई? इसे मैंने काटा अपनी कटार से। किंतु क्यों सम्राट? क्यों? क्योंकि मुझे संदेह है कि इस वट वृक्ष की सहायता से वो चंद्रगुप्त और चाणक्य इस गर्त से निकल लिए थे। और मेरे जीवन में संदेह का कोई स्थान नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरी सहायता करो ये जानने में कि आखिर इस निर्जीव गर्त में हुआ क्या था। जैसे चंद्रगुप्त और चाणक्य इस वट वृक्ष की सहायता से यहां से बाहर निकले, उनके बाहर जाने की इस यात्रा को अब तुम मुझे दिखाओगे और तुम मेरे साथ हो, मैं अत्यंत प्रसन्न हूं।
असंभव। क्या सम्राट, इस गर्त से बाहर निकलना असंभव है। यदि तुम चंद्रगुप्त को जानते तो ऐसा नहीं कहते। जब तक यहां से बाहर निकलने की एक भी संभावना शेष है, मैं ये नहीं मान सकता कि यहाँ पे पड़े कंकालों में से कोई भी कंकाल उस चंद्रगुप्त और चाणक्य का है। अब खेल आरंभ करो। चढ़ो। पेड़ पर चढ़ो। माई, यदि भगवान को आपकी बात सुननी होती तो वो 5 वर्ष पूर्व ही सुन लेते, जब चंद्र को उस गर्त में फेंका गया था। महारानी को प्रार्थना कर लेने दो स्थूलभद्र। एक मां की प्रार्थना में किसी योद्धा के बल से कहीं अधिक शक्ति होती है। रही बात उस गर्त की, तो इस विषम परिस्थिति में एक स्वर्णिम अवसर भी है उसके लिए। स्वर्णिम अवसर? हाँ, स्वर्णिम अवसर। मत भूलो कि वही गर्त 5 वर्ष तक चंद्रगुप्त का घर भी रहा। बहुत कुछ सीखा है चंद्रगुप्त ने उस गर्त से। उसका क्रीड़ा क्षेत्र भी था और उसकी पाठशाला भी। उस गर्त से चंद्रगुप्त ने यह सीखा कि विषम से विषम परिस्थितियों में भी, चाहे कितना भी अंधकार क्यों ना हो, व्यक्ति को आशा की अलख हर समय जलाए रखनी चाहिए। उस गर्त में ही चंद्रगुप्त ने मृत्यु की आंखों में आंखें डालकर उससे द्वंद्व किया और जीवित ही बाहर निकला था। आज धनानंद भले ही उस गर्त में प्रवेश कर रहा हो, परंतु चंद्रगुप्त उस गर्त से धनानंद से कहीं अधिक भली भांति परिचित है। धनानंद कितना ही बलशाली राजा क्यों ना हो, परंतु उस गर्त में चंद्रगुप्त को पराजित करना धनानंद के लिए असंभव है। कहाँ हो तुम चंद्र? इतना समय क्यों लग रहा है तुम्हें? क्या कर रहे हैं भाई तुम्हारे साथ? उत्तम, अति उत्तम। चढ़ो ऊपर। यदि वो चंद्रगुप्त कर सकता है तो तुम भी अवश्य कर सकते हो। आर्य, चढ़ो। मुझे किसी भी प्रकार से धनानंद को यह विश्वास दिलाना होगा कि इस गर्त से बाहर निकलना असंभव है। सम्राट! अब शीघ्र उठो। वो चाणक्य और चंद्रगुप्त इतने हटी हैं कि उन्होंने एक नहीं अनगिनत प्रयास किए होंगे। तुम्हें भी निरंतर प्रयास करने होंगे। तो सम्राट, मुझे अभी शीघ्र उठो और चढ़ो। शीघ्र करो। मेरी दृष्टि तुम पर है आर्य। पिछली बार वाली भूल मत दोहराना।
अपने पाँव वहां रखो और उस शिखा पर चढ़ो। हाँ, ऐसे ही। अब कूदो और उन बेलों की सहायता से ऊपर चढ़ो। क्षमा करें सम्राट, किंतु ये शाखा इतनी ऊंची नहीं है जिस पर से मैं कूदकर उन बेलों तक पहुंच पाऊं। यदि चंद्रगुप्त यहां से निकला होगा तो इसी शाखा से कूदा होगा। यदि वो कूद सकता है तो तुम भी कूद सकते हो। कूदो। व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ कर दिया तुमने। मेरे विचार से अब आप विश्वस्त हो गए होंगे कि चाणक्य और चंद्रगुप्त इसी गर्त में मर चुके हैं, है ना सम्राट? नहीं, मैं संतुष्ट नहीं हूं। मुझे ऐसा लगता है यदि बार बार प्रयास किया जाए तो इस वृक्ष की सहायता से यहां से बाहर निकला जा सकता है। क्यों, तुम्हें ऐसा नहीं लगता? आज नहीं, किंतु सत्य के लिए मैं निरंतर प्रयास करता रहूंगा। आज नहीं तो कल सत्य मेरे समक्ष अवश्य आ जाएगा। क्षमा कर दीजिए आचार्य, अब मैं स्वयं जाऊंगी उस गर्त में। ये आप क्या कह रही हैं महारानी? हाँ, अब तक एक क्षत्राणी के साहस और माँ की ममता के बीच द्वंद्व चल रहा था। क्षत्राणी हार चुकी है और माँ की ममता जीत चुकी है। अब मुझे सशक्त क्षत्राणी का पात्र नहीं निभाना। मैं जाऊंगी उस गर्त में और अपने पुत्र की सुरक्षा को सुनिश्चित करूंगी। माई, मैं भी आपके साथ चलूंगा। महारानी, तुम ठीक हो? जी माँ। आज तो ये बच गया, किंतु ना जाने कब तक सुरक्षित रहेगा, क्योंकि इसे मेरे भाई के साथ ये जीवन मृत्यु का खेल खेलना बहुत पसंद है। आज तो इसके भाग्य ने इसका साथ दे दिया, किंतु कल। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने राजकुमारी। कल मेरे भाग्य का कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि मुझे मेरे लक्ष्य के लिए तुम्हारे साथ काम करना पड़ रहा है। चंद्रगुप्त, ये बताओ कि वहां धनानंद के साथ क्या हुआ? आचार्य, मैंने उसे ऐसा जताया कि उस गर्त से बाहर निकलना इतना सरल नहीं है, किंतु धनानंद का संदेह अभी भी शेष है। यदि ऐसा है तो इससे पहले कि उसका संदेह और अधिक गहरा हो, हमें अपनी अगली योजना पर कार्य करना होगा। अगली योजना? हाँ, हमें सेल्यूकस और अंबिराज के मध्य संदेह का बीज बोना होगा। आचार्य, आप इस दुर्धरा के सम्मुख आवश्यकता से अधिक भेद खोल रहे हैं। मेरे विचार से इस पर इतना विश्वास करना घातक सिद्ध हो सकता है। नहीं चंद्रगुप्त, राजकुमारी दुर्धरा हमारे साथ अब कोई विश्वासघात नहीं करेगी। अंततः ये एक राजकुमारी है, राजनीति शास्त्र भी पढ़ा होगा इन्होंने, इसलिए ये बात ये भली भांति जानती हैं कि यदि इस बार इन्होंने हमारे साथ कोई भी विश्वासघात किया तो तुम इनके प्राण लेने में एक क्षण का विलंब भी नहीं करोगे, तुरंत मार दोगे। तो बताइए आचार्य, आगे कैसे बढ़ना है? ये औषधि लो, इस योजना में यही हमारा अस्त्र हो। किंतु आचार्य, ये औषधि किस चीज के लिए? मदिरा का नशा उतारने के लिए। किंतु आचार्य, अंबिराज और सेल्यूकस के मध्य
ये मतभेद कैसे उत्पन्न कर सकती है? अवश्य करेगी। ये औषधि ही धनानंद और अंबिराज की मित्रता के बारे में सेल्यूकस के मन में संदेह उत्पन्न करेगी, यही उनके मतभेद का कारण बनेगी। जल, इसकी अपनी ही विशेषताएं हैं। ठंड में ये बर्फ बनकर जम जाता है, गर्मी में भाप बनकर उड़ जाता है, और यदि इसे ऐसे वातावरण में रखा जाए जहां ना अधिक गर्मी हो और ना ठंड, तो ये वर्षा बनकर बरस जाता है। परंतु हर परिस्थिति में ये अपना अस्तित्व संजोए रखता है, उसे खोता नहीं। जल के इसी स्वभाव को हमें राजनीति में सफल होने के लिए अपने व्यक्तित्व में आत्मसात कर लेना चाहिए। यहां समझने वाली बात यह है कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता, ना शत्रुता ना मित्रता। यदि कुछ स्थायी होता है तो वो है आपका लक्ष्य, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें कभी किसी से संधि तो कभी किसी से संबंध विच्छेद करने पड़ते हैं। तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और अपना अस्तित्व संजो कर रख सकते हैं। नीतियां मेरी, नियति आपकी। महाराज अंबिराज कल रात्रि मदिरा पान करने के पश्चात उन्होंने नशा उतारने के लिए ये औषधि मंगवाई थी, तो आपको भी इसकी आवश्यकता होगी। जब मैंने कल रात शराब नहीं पी तो नशा क्या खाक होगा। रुको, अगर तुम्हें लगा मैं कल रात को अंबिराज के साथ शराब पी रहा था तो इसका मतलब वो किसी के साथ था। अगर मेरे अलावा यहाँ कोई मेरी बराबरी का है तो वो सिर्फ धनानंद। क्षमा करे। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आपको जगाने के लिए क्षमा चाहता हूँ शाह, किंतु मैं तो ये औषधि रखने के लिए आया था। कैसी औषधि? वो महाराज अंबिराज कल रात्रि मदिरा पान करने के पश्चात उन्होंने नशा उतारने के लिए ये औषधि मंगवाई थी, तो मैंने सोचा कि कल रात्रि मदिरा तो आपने भी पी होगी, तो आपको भी इसकी आवश्यकता होगी, इसीलिए बस मैं ये औषधि ले आया था शाह। जब मैंने कल रात शराब नहीं पी तो नशा क्या खाक होगा। दफा हो जाओ यहाँ से। क्षमा करे शाह। रुको, जी शाह। अगर तुम्हें लगा मैं कल रात को अंबिराज के साथ शराब पी रहा था तो इसका मतलब वो किसी के साथ था, लेकिन किसके साथ? शाह, मैं तो एक सैनिक हूँ, भला मुझे ये कैसे पता होगा कि महाराज अंबिराज कल रात में किसके साथ थे? आप बड़े लोग हैं, आपका उठना बैठना बड़े लोगों के साथ होता है, अपने स्तर के लोगों के साथ। सही कहा तुमने, अगर मेरे अलावा यहां कोई मेरी बराबरी का है तो वो सिर्फ एक शख्स है।
धनानंद। हाँ शाह, आपने तो बिल्कुल सही कहा। और अब तो वो दोनों भावी संधि भी है। हमारे देश में दो संधियों के माध्य के घनिष्ठता से अधिक घनिष्ठ और कोई मित्रता नहीं है। आप विदेशी है ना, कदाचित आपको ये सारी बातें व्यर्थ लगे, किंतु विवाह और घनिष्ठ मेलजोल संबंधों की सशक्त नींव के लिए अति आवश्यक है। आप देखिएगा शाह, ये विवाह होते होते सम्राट धनानंद और महाराज अंबिराज और घनिष्ठ होते जाएंगे और उनके संबंध एक अटल मित्रता को जन्म देंगे। शाह, आपको इस समय कष्ट देने के लिए मुझे क्षमा कीजिए, किंतु अब मैं आज्ञा चाहता हूं। आपकी औषधि ने अपना काम कर दिया है आचार्य। धनानंद के विरुद्ध सेल्यूकस के मन में विष का बीज बो दिया है इसने। अब यही विष धीरे धीरे फैलकर मगध और तक्षशिला की संधि को तोड़ेगा। मां महिम, राजकुमारी दुर्धरा के कक्ष में आकर कौन सा प्रमाण मिलेगा हमें? चंद्रगुप्त के जीवित होने का इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा महामात्य? मैं कुछ समझा नहीं महामहिम। पिछले 5 वर्षों से दुर्धरा ने रंग और रंग तुलिकाओं को छुआ तक नहीं, और अब वो रंग भरे चित्र बना रही है ना। ये रंग नहीं है महामात्य, ये आशाएं हैं। चंद्रगुप्त ने जो आरंभ किया था वो उसका अंत करने लौट आया है। क्षमा करें महामहिम, यदि चंद्रगुप्त जीवित होता तो वो यहां नहीं मगध में होता, क्योंकि उसका केवल एक ही लक्ष्य है, आपका सिंहासन। और पिछले 5 वर्षों में ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई जिससे यह सिद्ध हो सके कि चंद्रगुप्त जीवित है। महामात्य, पिंजरे में बंद चिड़िया की विचित्र मानसिकता होती है। या तो वो अपने भाग्य से समझौता कर लेती है, या फिर मुक्त होने के लिए उचित अवसर की, समय की प्रतीक्षा करती है। चाणक्य और चंद्रगुप्त भी वही कर रहे हैं, और मेरी बहन भी। मैंने दुर्धरा को बंदी बनाने का प्रयास किया, आश्रम से जुड़ी उसकी योजना को विफल किया, यहां तक कि आश्रम में आग लगा दी, किंतु मेरी बहन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसका अर्थ ये है कि वो छोटी छोटी बातों को भुलाकर केवल अपने लक्ष्य पर अशान्वित है। मेरा मन कह रहा है महामात्य कि चंद्रगुप्त और चाणक्य जीवित हैं, और वही मेरे बहन के भीतर मेरे विरुद्ध की अग्नि को और भड़का रहे हैं। क्या हुआ, समझ नहीं आया आपको? मैं आपको समझाता अपनी बहन की भाषा, ऐसे चित्रकारी करके। वैसे अब मैं चित्रकारी में इतना पारंगत तो हूं नहीं, किंतु प्रयास अवश्य करूंगा। तो सबसे पहले मैं बनाता हूं इस कहानी की जड़, तक्षशिला। अब इन दिनों में जो सबसे अंतिम घटना घटी है, हम उससे आरंभ करते हैं। अंबिराज मुझे वहां लेकर गए जहां चंद्रगुप्त को अंतिम बार जीवित देखा गया था।
तक्षशिला में जब मैं संधि के लिए आया तो मुझ पर आक्रमण किया गया। घातक वार। और मेरी बहन ने मुझे नहीं उस आक्रमणकारी को बचाया और उसके स्थान पर स्वयं आत्मसमर्पण कर दिया। इतना ही नहीं, फिर मेरी प्यारी बहन दुर्धरा उस तुच्छ से राजकुमार अंबी कुमार के साथ विवाह के लिए सज हो गई। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सारे ब्रह्मांड में भी मेरे भाई ढूंढते तो तुम जैसा योग्यवर नहीं ढूंढ पाते। और फिर उसी के साथ राज्य भ्रमण को निकली एक ऐसे स्थान पर जहां जाने का कोई विचार भी नहीं करता। और जब मैंने उस आश्रम को आग लगवाई तो मेरी बहन के मुख पर वही कुंठा वही पीड़ा थी जो तब थी जब मैंने हवा महल को जलाया था उस चंद्रगुप्त और उसके साथियों के साथ। आज स्वयं पर वार करने वाले को मारने के लिए आपने आश्रम को तो जला दिया, किंतु आप देखिएगा फिर कोई इस बुझी हुई आग से चिंगारी समेटेगा और विद्रोह की अग्नि सुलगाएगा। अब समझे महामात्य, प्रत्येक बिंदु प्रत्येक सिरा यही सिद्ध करता है कि वो तिल चट्टा वो चंद्रगुप्त अभी जीवित है। मेरे गुप्तचर सज्ज हैं मां महीम, आप केवल आज्ञा दीजिए, मैं अपने गुप्तचरों को उनके पीछे लगा दूंगा। ना नहीं महामात्य, आश्रम जलाने के पश्चात भी मेरी बहन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, अर्थात उसके मन में कुछ चल रहा है। वो मेरी बहन है महामात्य, जो करना चाहती है उसे करने दीजिए, मैं भी तो देखूं आखिर चल क्या रहा है उसके मन में। मैंने सेलिकस के मन में संदेह का बीज बो दिया कि अंबिराज और धनानंद मिलकर उसके साथ विश्वासघात कर सकते हैं। अब इस बीज को सींचना तुम्हारा काम होगा। हमारे वो कद्दू कुमार अर्थात अंबी कुमार शस्त्र अभ्यास के लिए यहीं आ रहा है, हमें उसके और सेलिकस के सैनिकों के मध्य लड़ाई करवानी है। राजकुमारी जी, आप जानती हैं ना आपको क्या करना है। राजकुमार, राजकुमार मेरे होते हुए आप ही उठाएंगे स्वयं। नहीं, लाइए मुझे दीजिए। कुछ भी हो जाए आप शस्त्र अभ्यास नहीं छोड़ते राजकुमार। मैं ये देखकर बहुत प्रभावित हूँ राजकुमार कि एक सच्चा योद्धा युद्ध कौशल की धार कभी मंदी नहीं होने देता। और आज ये युद्ध अभ्यास और भी विशेष होने जा रहा है। क्योंकि आज राजकुमार के इस युद्ध अभ्यास में उनके सम्मुख उनकी भावी पत्नी भी खड़ी होंगी, हाथों में तलवार और मन में आदर लेकर। चिंता मत कीजिए राजकुमार, मैं कोई छुई हुई कोमल राजकुमारी नहीं हूं। अब हर रोज मुझे अचंभित कर देती है राजकुमार। चलिए Thank you.
यवन मेरी तलवार लेकर आओ। ये आपका मगध नहीं है और न ही हम आपके गुलाम हैं, जो आपके हुक्म की तामील करें। तुम्हारा इतना दुस्साहस, तुमने मगध का नाम लिया? इससे पहले कि कुछ भी लाने योग्य न रहो, मेरी तलवार लाओ। तुम्हारा इतना दुस्साहस, अपनी भावी महारानी को स्पर्श किया तुमने? राजकुमारी, भावी महारानी के समक्ष ऐसी उदंडता तुम्हारी? हाँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ उन्हें उनकी तलवार दे रहा था। अर्थात मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ राजकुमार, इसका साहस तो देखिए। पहले इसने मेरा अपमान किया, उसके बाद मुझे स्पर्श करने का साहस किया, और अब मुझे झूठा सिद्ध करने पे आतुर है। राजकुमार, राजकुमार, मेरे विचार से इससे पहले कि बात आगे बढ़ जाए, मुझे राजकुमारी को महल के भीतर ले जाना चाहिए। नहीं आर्य, सर्वप्रथम यह सैनिक राजकुमारी से क्षमा मांगेंगे। ये अपने घुटनों पर बैठकर अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगेगा, अन्यथा यह सैनिक यहाँ से जीवित नहीं लौटेगा। ऐसा नहीं होगा, इस सिपाही की कोई गलती नहीं है। यदि ग्रीक की तरफ एक भी उंगली उठी तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हाँ हाँ, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वाह वाह चंद्र और दूधरा, वाह, आज तो मजा आ जाए। चलो मेरे साथ, सम्राट धनानंद ने तुम्हें बुलाया है। तो क्यों? सम्राट धनानंद ने मुझे ही क्यों बुलाया? उन्हें मुझसे ऐसा क्या चाहिए? राजकुमारी मेरी बात। आर्य, मैं राजकुमारी के अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए सज्ज हूं। जाओ यहां से। मैंने कहा जाओ यहां से। ये खांतिम चेतावनी है सैनिक, राजकुमारी से क्षमा मांगो। चलो। तो हमने तुम्हें छूने की कोशिश की, हमें झूठा साबित करने के लिए शोर मचाया तुमने। अब अगर सच में मैं तुम्हें छूने की कोशिश करूं तो? पीछे हटो अंबी कुमार, मेरी रक्षा करें। देखा, तुम सब भारतीय एक जैसे ही होते हो, तुम हम विदेशियों की पैर की जूती बनने के लायक ही हो। तुमने एक नहीं दो दो अपराध किए। पहला, सिख स्त्री के सम्मान को ठेस पहुंचाए, और दूसरा, हमारी मातृभूमि को अपमानित किया। अब तुम्हें मैं बताता हूं कि हम भारतीय अपनी मातृभूमि और अपने देश की सभी स्त्रियों की गरिमाओं के लिए क्या करते हैं।
अति उत्तम आर्य, मुझे गर्व है तुम पर। ये लीजिए राजकुमार, मंगवाइए इससे माफी, झुकवाइए इसे राजकुमारी के पैरों में। चलो राजकुमारी से क्षमा मांगो। ठहरो अंबी कुमार, छोड़ दो मेरे सिपाही को इसी वक्त। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सिपाही पर हाथ उठाने की? कई बार हमारे संबंधों में कोई मनमुटाव आ जाए तो हम उन संबंधों को तोड़ना ही श्रेयस्कर समझते हैं। परंतु क्या यदि आपके हाथ या पांव आहत हो जाए तो क्या आप तब भी यही उपाय करते हैं? नहीं, आप उनका उपचार करते हैं, ना कि उन्हें काटकर अपने शरीर से फेंक देते हैं। इसी प्रकार संबंधों में भी यदि कोई मनमुटाव आ जाए या उलझन आ जाए तो उसे सुलझाना चाहिए, संबंध की डोर को ही काट नहीं देना चाहिए। स्मरण रहे, संबंध भी हमारे शरीर की भांति ही होते हैं। यदि कोई मनमुटाव आ जाए तो धैर्य और समझ की औषधि से उनका उपचार करना ही श्रेष्ठ उपाय है। नीतियां मेरी, नियति आपकी। धनानंद कहीं ना कहीं ये जानता है कि हम जीवित हैं, और जब तक हम जीवित हैं तब तक उसका पौरव राष्ट्र को अपने अधीन करने का स्वप्न पूर्ण नहीं होने देंगे। अब हमें क्या करना चाहिए? आज रात्रि अपनी बहन के वागदान के अवसर पर धनानंद को एक विशेष उपहार मिलेगा।